एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। Rise of the Planet of the Apes फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस
अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चौल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ-113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी
प्रतिरक्षा प्रणाली AlZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को विल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है, जहां उसे रॉकेट, अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है, जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने AlZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण AlZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से AlZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से AlZ113 कंस्तर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है, तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है, जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो AlZ113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा AlZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। AlZ112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। AlZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक
कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्टर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य बानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को
उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। विल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपांजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपांजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। विल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपांजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। विल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और विल के घर से ALZ113 कंस्टर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य बानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं।
अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलॉस हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्टर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य
उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेनसिस के
बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है, जेकॉब सभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस और स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस और स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस और स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए, सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्र स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने
हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। विल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और विल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब सभी बेहदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है, जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है।
इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चौल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास
हैंसीकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है, जहां उसे रॉकेट, अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है, जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है, जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है, तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है, जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्र
स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलॉस हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्टर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब सभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्यक्रेडी दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Disney+ Hotstar पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन है। Rise of the Planet of the Apes फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस
स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है।
राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्र स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब सभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की
इच्छाओं को स्वीकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडी दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। विल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। विल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को
चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है, जेकॉब सभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो AL-Z113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा AL-Z112 का परीक्षण कर रहे हैं। AL-Z112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। AL-Z112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए, सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज AL-Z112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली AL-Z112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलॉस हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने AL-Z113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण AL-Z113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से AL-Z113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने
हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। विल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और विल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब सभी बेहदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ-113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है।
इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चौल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्यक्रेडी दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास
हैंसीकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है, जहां उसे रॉकेट, अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है, जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है, तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है, जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस और स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस और स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस और स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय
स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक बाइश का सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस
स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। विल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्टर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य बानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है।
राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की
इच्छाओं को स्वीकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनसिस में शिपेंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए, सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलॉस हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब्स ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेनसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को
चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब सभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Disney+ Hotstar पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Disney+ Hotstar पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखें इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनसिस में शिपैंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहां उसे रॉकेट अल्फा शिपैंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो सांकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दवा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने
हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। विल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और विल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को शिकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर जो ALZ-113 से संक्रमित है अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस और स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस और स्टार पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास डिज्नी प्लस और स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपेंटी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपेंजी को दिया जाता है जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपेंजी भी शामिल है जिससे उसकी बुद्धि काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपेंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपेंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और संकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है जहाँ उसे रॉकेट अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है।
इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चौल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोवो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्तर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और बानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। बानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी बानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त बानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब बानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही बानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और बानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है। राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। फिल्म देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। सैन फ्रांसिस्को में जेनेटिक्स केमिस्ट बिल रोडमैन अल्जाइमर रोग का इलाज खोजने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेंसिस में शिपैंजी पर वायरल आधारित दवा ALZ-112 का परीक्षण कर रहे हैं। ALZ-112 विभिन्न शिपैंजी को दिया जाता है, जिसमें ब्राइट आइज नामक शिपैंजी भी शामिल है, जिससे उसकी बुद्धि काफ़ी बढ़ जाती है। हालांकि बिल द्वारा दवा की प्रस्तुति के दौरान ब्राइट आइज को उसके पिंजरे से जबरन बाहर निकाला जाता है। वो उग्रता पर उतर आती है और उसे गोली मार दी जाती है। बिल के बॉस स्टीवन जेकॉब्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया और शिपैंजी को इच्छा मृत्यु दे दी। हालांकि बिल के सहायक रॉबर्ट फ्रैंकलिन ने खुलासा किया कि ब्राइट आइज के गुस्से का कारण ये था कि उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था। बिल अनिच्छा से शिशु शिपैंजी को अपने अंदर ले लेता है और अनंत उसे सीजर नाम देता है। ALZ-112 के संपर्क में आने के बाद पता चला कि सीजर को अपनी माँ की बुद्धि विरासत में मिली है। बिल ने उसे पालने का फैसला किया। 3 साल बीत गए। सीजर अत्यधिक बुद्धिमान हो गया और सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम हो गए। बिल एक पशु चिकित्सक कैरोलिन अरहाना के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू करता है। बिल और कैरोलिन सीजर को मुजर बूट्स राष्ट्रीय स्मारक के रेडवुड जंगल से परिचित कराता है ताकि वो घूम सके। इस बीच बिल अपने पिता चार्ल्स का इलाज ALZ-112 से कराता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बहाल हो जाता है। 5 साल बाद एक वयस्क सीजर दुनिया में उसकी उत्पत्ति और स्थान पर सवाल उठाता है और बिल अपनी आपत्ति का खुलासा और उत्पत्ति का खुलासा करता है। चार्ल्स की स्थिति वापस आ गई क्योंकि उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली ALZ-112 के प्रति प्रतिरोधी हो गई है और भी खराब हो गई है। एक दिन सीजर को बिल के बुरे स्वभाव वाले पड़ोसी डॉगलास
हैंसिकर पर हिंसक हमला करने के लिए एनिमल कंट्रोल द्वारा पकड़ लिया गया, जो अपनी कार को छूने के लिए भ्रमित चार्ल्स को डांट रहा था। सीजर को एक आश्रय स्थल में ले जाया जाता है, जहां उसे रॉकेट, अल्फा शिपेंजी और मुख्य रक्षक डॉज लैंडन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि सीजर मैरिस से दोस्ती करता है, जो एक पूर्व सर्कस अंगरूंगटन है, जो संकेतिक भाषा भी जानता है। सीजर अपने पिंजरे का ताला खोलना सिखाता है और सामान्य क्षेत्र तक निःशुल्क पहुंच प्राप्त करता है। गोरिल्ला वर्क की सहायता से सीजर अल्फा बन जाता है। इस बीच जेकॉब ने ALZ-113 के एक गैसीय लेकिन अधिक शक्तिशाली संस्करण ALZ-113 के विकास को मंजूरी दे दी। जब बिल ने उसे बताया कि वो बुद्धि में सुधार कर सकता है, बिल अपने पिता के लिए दवा घर ले जाता है, लेकिन चार्ल्स आगे इलाज कराने से मना कर देता है और रातों रात मर जाता है। कोवा नामक बोनोबो पर दावा का परीक्षण करने का प्रयास करने के बाद फ्रैंकलिन गलती से ALZ-113 के संपर्क में आ गया और बीमार हो गया। जोखिमों के बावजूद जेकॉब्स ने परीक्षण जारी रखने का आदेश दिया और परिणाम स्वरूप बिल ने अपना पद छोड़ दिया। बिल को उसके घर पर ये चेतावनी देने का प्रयास करते हुए कि वो संक्रमित है, फ्रैंकलिन ने हंसीकर पर खून छींक दिया और बाद में उसे मृत पाया गया। बिल सीजर को पुनः प्राप्त करने के प्रयास करता है, लेकिन सीजर बानरों के साथ रहने का फैसला करता है और बिल के घर से ALZ-113 कंस्टर चुरा लेता है, जिसका उपयोग वो आश्रय में अन्य वानरों को बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए करता है। जब डोज उसे अपने पिंजरे में वापस लाने का प्रयास करता है, तो सीजर बताता है कि वो बोल सकता है और वानरों को मुक्त करते समय डॉज को बिजली का झटका लग जाता है। वानर भाग गए। कोवा और जेंसिस के बंदी वानरों को रिहा कर दिया और सैन फ्रांसिस्को चिड़ियाघर से अतिरिक्त वानरों को मुक्त कर दिया गया। लड़ाई तब शुरू होती है जब वानर रेडवुड जंगल में भागने की कोशिश में गोल्डन गेट ब्रिज पर पुलिस नाकाबंदी को पार करते हुए लड़ते हैं। एक हेलीकॉप्टर गनशिप आती है, जिसे नीचे लाने और सीजर को बचाने के लिए बक ने खुद का बलिदान दे दिया। कोवा हेलीकॉप्टर भेजता है। जेकॉब्स अभी भी अंदर है और समुद्र में गिर रहा है। जैसे ही वानर जंगल में अपना रास्ता खोजते हैं, बिल उन्हें ढूंढ लेता है और सीजर से घर लौटने की विनती करता है और उसे चेतावनी देता है कि मनुष्य उनका शिकार करेंगे। सीजर ने उसे गले लगाया और कहा कि वो घर पर बिल सीजर की इच्छाओं को स्वीकार करता है और वानर जंगल में अपनी नई जीवन शैली अपनाते हैं। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में हुंसी कर, जो ALZ-113 से संक्रमित है, अपनी उड़ान के लिए सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आता है। अनंत वो पूरे ग्रह पर वायरस फैला देता है, जिससे एक घातक महामारी फैल जाती है। बात करें फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास डिज्नी प्लस हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन है।